हेलो क्लास ट्वेल्थ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो आज हम स्टार्ट करने वाले इन वीडियो दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस ओके सो केमिकल रिएक्शंस में भी फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स सो so, हेलो एल्केन्स के जो थ्री रिएक्शंस हैं जो कि इन्हें मेनली थ्री रूप्स में, में डिवाइड किया गया कह सकते हैं सो फर्स्ट है फर्स्ट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक्स सबसे रिएक्शन नेक्स्ट

आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफ्लिक्सिट्यूशन के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे सो so, लेट्स स्टार्ट इट ओके okay, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफ्लिक्सिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले तो हमें बात करनी होती है कि वॉट आर द न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्या है न्यूक्लियोफाइल्स सो so, न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीज जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स बहुत इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एंड दे वांट टू अटैक और दैट मॉलिक्यूल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट या फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम होते हैं तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इन अ वन वर्ड अगर हम जो हमारा न्यूक्लियो फिलिक है बेटा इसका हम अगर डिवीज़न इस नेम इस वर्ड का डिवीज़न करके देखिए कि ये वर्ड क्या है सो so, न्यूक्लियो फिलिक स्टैंड फॉर ओके okay, सो so, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियो मीन्स बेटा क्या होता है अब आउट न्यूक्लियस न्यूक्लियो मीन्स का यहाँ से मतलब है न्यूक्लियस न्यूक्लियस कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज तो जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज इन्हें देखने को मिलेगा एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी कम है ठीक है सो पॉजिटिव एंड न्यूक्लियो मतलब इलेक्ट्रॉन है इनके पास और ये किससे रिएक्शन करना चाहते हैं वहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन्हें देखने को मिले एंड लविंग सॉरी फिलिक का मतलब क्या होता है लविंग ठीक है तो एक ऐसे सब्सटेंस जो कि मतलब मेनली पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस बोलते हैं सो so, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस को ही रिप्लेस कर दे मतलब आपको मेरी समझ में आई आ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिप्लेस ऑलरेडी कंटेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द न्यूक्लियोफाइल्स समझ में आया आपको एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू नु, एक न्यूक्लियो आया है ठीक है ये एक न्यूक्लियो है जो बाहर से आ रहा है एंड ये एक ऐसी रिएक्शन में जाए जहाँ पर पहले से एक न्यूक्लियो मौजूद है एंड ऑफ कोर्स कोई भी न्यूक्लियो फाइल हो बेटा उसको एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए है तो ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ बिकॉज ऑफ सम टेक्निक्स वो क्या करे उस जो पहले से न्यूक्लियो फाइल लगा है उसको रिप्लेस कर देता है ठीक है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सो दैट इज़ द रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी जैसे आपको देखने को मिल रहा है बेटा ये हमारा क्या है एलकाइल ग्रुप है जिसके साथ एलोजन लगा हुआ है दैट इज अवर एलकाइल है एंड जो पॉजिटिव एंड निगेटिव ओके पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक दूसरा न्यूक्लियो फाइल आए यहाँ पर एंड हमारा जो पहले से न्यूक्लियर फाइल है वो क्या है यहाँ पर एक्स है बिकॉज़ इसको इसे भी क्या है इसने पॉजिटिव चार्ज के साथ इसमें इंट्रैक्शन किया है ठीक है बट एक ऐसा न्यूक्लियो फाइल आए जो पहले से ही एग्जिस्टिंग पहले से ही लगे हुए एक न्यूक्लियो फाइल को रिप्लेस कर दें एंड उसका प्लेस लेकर ये न्यू सब्सटेंस बना थे जैसे मैं न्यूक्लियो फाइलें रिएक्शन कर ली विथ आर दैन इट जो यहाँ पर इन्होंने न्यू सब्सटेंस बनाया एंड उसके साथ जो हमारा हेलोजन था वो क्या हो गया वो वहाँ से रिप्लेस हो गया राइट सो so, जो ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिप्लेस <laughs> द ऑलरेडी एग्जिस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल्स दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ठीक है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो भी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ सो ओके यू कैन सी है जैसे मैंने लिखा हुआ है वैन आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल्स कम इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ एल्काइल हेलाइट इट रिप्लेस द हेलाइट आयन ठीक है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल आए और वो पहले से लगे हुए न्यूक्लियर फाइल को अपने प्लेस से एक एल्काइल हेलाइट्स में से हेलाइट को उसके प्लेस से क्या होता है रिप्लेस कर देता है तो इस एसिडिएशन को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन रिएक्शन कि नाउ आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स ये दीज आर दवर एल्काइल हेलाइट एंड इट रिएक्ट विथ एनी ओवेच इन दिस रिएजेंट जो हमारा ओवेच OH है दैट इज अवर न्यूक्लियो ये बिहेव करता है इट्स बिहेव एज अ न्यूक्लियो लविंग पॉइंट एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करेगा ऑन द आर ओके और जिसके थ्रू ये एक बॉन्ड बनाता है दैट फॉर्म आर ओव एच मेनलीट फॉर्म द एल्कोहल ओके okay, और ये यहाँ से जो एक्स यहाँ से रिप्लेस हुआ है जो हेलोजन रिप्लेस होता है वो कंबाइन कर लेता है विद सोडियम एंड फॉर्म एन एक्स सो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट अगर हम किसी अल्काइल हेलाइट की रिएक्शन करवाएं विद द वाटर यानी एच टू ओ एच टू ओ को जब आप डिप्लेस, डिप्लेस अलग करेंगे डिप्ल करेंगे तो फॉर्म एच प्लस एन ओ एच माइनस राइट एंड आई एजाइट बिफोर की जो ओवेच OH माइनस है वो वो एक क्या है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है सो अगेन इट विल हिट ऑन अलकाइल ग्रुप एंड जैसे अल्का लाइल के ऊपर ग्रुट हिट करता है देन इट विल अगेन फॉर्म आर ओवेच इज ऑल्सो एल्कोहल ये भी क्या कैबेटा एल्कोहल राइट एंड जो हमारा एच रिलीज हुआ है जो यहाँ से रिप्लेस यहाँ पे जो एच प्लस बचा हुआ है वो जो हमारा हेलाइड है, है जो कि रिप्लेस हो गया इस रिएक्शन से वो इसके साथ कंबाइन कर लेता है एंड देन फॉर्म द एच एक्स क्या बनाता है बेटा एच एक्स बनाते हैं ठीक है दीज आर दम एग्ज़ाम्पल्स वन मोर एग्जाम्पल अगर हमारा अल्काइल हेलाइड है ओके एंड इट विल रिएक्ट विथ अ सोडियम आयोडाइड ओके एंड डी जो यहाँ पर एक्स है ये कोर्स आपका सी एल होगा या फिर बी आर होगा बिकॉज एज वी नो जो आयोडाइड है इन कंपेरिजन ऑफ सी एल एंड बी आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है विथ सी एस थ्री ठीक है जैसे हमने बताया था प्रीवियस सो so, ये क्या करता है बेटा आई अगेन रिप्रियक्शन कर लेता है विथ आर एंड इट विल फॉर्म सो अल्काइल आयोडाइट एंड जो एन ए है वो रिएक्शन करता है विथ एक्स एंड फॉर्म एन एक्स ठीक है सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ न्यूक्लियोफिल्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपने देखा कि ऑलरेडी एक न्यूक्लियो फाइल्स यहाँ पर है दैट इज अवर हैलाइट्स एंड एक जो न्यूक्लियो फाइल बाद में आ रहा है ओवच ओवेच OH, OH, और आई ये पहले से लगे हुए न्यूक्लियो फाइल्स को रिप्लेस कर देते हैं एंड देन फॉर्म द न्यू कम्पोनेट तो ऐसे रिएक्शंस को हम तो में सिंपल क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिल सब्सटिट्यूशन रिएक्शन वन मोर पॉइंट मेजर पॉइंट जो हमें यहाँ पर कवर करना है या ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी Uh, हमारा जो कार्बन है या फिर जो एल्काइल ग्रुप हमारे यहाँ पर लगा हुआ है जो एल्काइल ग्रुप में जो बॉन्डिंग है सॉरी हाइब्रिडाइजेशन है इट शुड बी एस पी थ्री जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ओके सो मेन पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो भी हमने आर यूज़ किया है यहाँ पर वो एक उन वो जो कार्बन है वो मेनली कैसा होना चाहिए एस पी थ्री हाइड्रोडाइज्ड कार्बन हो अगर एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन होगा तो भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी एस पी होगा तब भी रिएक्शन नहीं परफॉर्म हो जाएगी जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उनमें जो कार्बनस हो वो शुड वो कैसे होने चाहिए वो हाइब्रिड एस पी थ्री हाइब्रोडाइज होंगे तभी ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर परफॉर्म हो पाएगी ओके सो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से दैट इज द एम्पिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एम्पिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखा बेटा जैसे कि ऊपर रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर एन आपको दिखाई दे रहा है या जो लास्ट रिएक्शन है जहाँ पर एन दिखाई दे रहा है ठीक है उसमें जो एक एक एलिमेंट है जैसे ओव है दैट इज बिहेव एज अ न्यूक्लियो फाइल में भी ओवच बिहेव एज अ न्यूक्लियो एंड जो लास्ट है सोडियम आयोडाइड में आयोडाइड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल राइट बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास जिसमें बोथ द एलिमेंट्स या फिर बोथ द एटम्स बिहेव एज अ न्यूक्लियो फाइल मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले सोडियम हाइड्राइड में ऐसा होता नहीं है बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि सोडियम भी बिहेव करने लगे न्यूक्लियो फाइल की तरफ वो भी जाए आर की तरफ कि रिएक्शन करेगा विथ आर एंड जो आई है वो तो ऑलरेडी पहले से क्या है न्यूक्लियोफाइल है सो so, ऐसे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास जिसमें दोनों ही एटम बिहेव करने लगते हैं एज आ न्यूक्लियोफाइल सो उन्हें हम क्या बोलते हैं एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं सो फॉर एन एग्जाम्पल सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल डेफिनेशन भी लिख दी एमबेडेंट न्यूक्लियो फाइल्स आर द कंपाउंड इन विच बोथ द एटम्स बिहेव एज आ न्यूक्लियो फाइल्स सो जो दो एटम उसमें यूज हैं वो दोनों ही एज आ न्यूक्लियो फाइल की तरह बिहेव करने लगते हैं फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इज अवर सी एन दैट इज साइनाइट्स साइनो ग्रुप ओके एंड समाइट्स एन ओ टू ठीक है okay. तो साइनाइड एंड नाइट्राइट आर द आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पिडेंट न्यूक्लियो फाइल्स जिसमें जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन ये दोनों ही बिहेव कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियो फाइल्स ओके कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं एंड जो हमारा एनओ टू ग्रुप है उसमें भी ऑक्सीजन एंड और एन दोनों समटाइम बिहेव करने लगते हैं एज अ न्यूक्लियो फाइल्स सो इसका एक एग्जाम्पल है आई एम शोइंग दैट एग्जाम्पल तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें आपको दिखाई दे रहा रहे हैं एलकाइल ग्रुप है एंड इट विल रिएक्ट विद द साइनाइट पोटेशियम साइनाइट और द और द सिल्वर साइनाइट एंड जो भी रिएक्शन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइनाइट्स बने हुए बट जो जो ये है इसे हम क्या बोल रहे हैं आइस बोल रहे हैं एंड जैसे भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे सी एन डायरेक्ट जा के आर से रिएक्शन कर बट पर सी एन नहीं बैठा यहाँ पे एन सी लिखा है मैंने इसीलिए विल फॉर्म आइस तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज बेटा जो हमारा केसियन है केसियन जो होता है दैट इज द इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है आयोनिक बॉन्ड है इन अवर केसीन जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से जब भी, भी हम इन्हें किसी सॉल सोल्यूशन में डालते हैं डालेंगे सो so केसियन क्या हो जाएगा ईजली ब्रेक हो जाएगा एंड ईजली ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा जो हम के अलग हो गया ठीक है एंड सी एन क्या हो जाता है वो अलग हो जाता है सो इन सी एंड एन दोनों ही कैसे हैं एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सी भी कर सकता है एंड एन भी कर सकता है बट एज वी नो कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है सी सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज द स्ट्रोंगर बॉन्ड इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन ठीक है कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इसी वजह से जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो प्रेफर करता है कि वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर ले एंड इट विल फॉर्म जो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ठीक है रीजन यहाँ पर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर बहुत ईजिली ब्रेक हो गया जैसे ब्रेक दोनों ही फ्री हैं कार्बन भी फ्री है नाइट्रोजन भी फ्री है एंड ऑफकोर्स कार्बन काइजन बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉगर दैट्स वाई यहाँ पर हमें साइनाइट्स देखने को मिलते हैं और अगर हम इस ग्रुप की बात करें जो कि आप ये हाँ एग्जाम्पल दिखा जैसे कि के अल्काइल हैलाइट्स है यहाँ पर उनकी हम एजी स्क्रीन से जब करवाते हैं सो so, इस टाइम में बेटा जो हमारा एन है पहले तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर क्या है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ओके कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर एंड अभी भी इस टाइम पे जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद होता है सो बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी फ्री लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मौजूद होने की वजह से वो पहले जाकर रिएक्शन कर लेता है ठीक है एंड देन जो सी है वो जाके उससे रिएक्शन करता है इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनते हैं सो so, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुई होगी कि, कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिसमें दोनों ही दो एलिमेंट्स ऐसे हैं दो ऐसे आइटम्स हैं जो कि कैसे बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियो फाइल्स की तरह बिहेव करते हैं जैसे आपको यहाँ पे के सी एन दिखाई देता है सी एन भी बिहेव कर रहा है एंड एम सॉरी सी भी बिहेव कर रहा है एन भी बिहेव कर रहा है सो so, इस वजह से दो दो अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पर परफॉर्म होती हैं सो अभी तक की जितनी भी रिएक्शंस जो मैंने अभी तक आपको बताया इनवर केमिकल रिएक्शंस जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सिटूशन रिएक्शन का उसमें मैंने आपको पहले बता दिया अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की एक न्यूक्लियो सब्सिट्यूशन होती क्या है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल्स आएगा वह पहले से लगे न्यूक्लियोफाइल्स को वहाँ से रिप्लेस कर दे ठीक है नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए कि वो रिएक्शन कैसे होती हैं ना ऑल्सो एसपी ट्रू हैबिडाइज होना चाहिए कार्बन कोई और कार्बन ना हो उसके अलावा एंड देन तो अबाउट द एम्बिडेंड न्यूक्लियोफाइल्स के एम्बिड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं मकैनिज्म बनाऊँगी मैकेनिज्म को शो करूंगी कि ये जो सब्सिट्यूशन न्यूक्लियरेशन हो रही है वो किस तरह से परफॉर्म हो रही है सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल शो अबाउट द वी विल सी अबाउट द मैकेनिज्म